ओम श्री साम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड अथ प्रथमो अध्याय पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद उवाच। सती देवी रक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरी सुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका कथम कृत्वा तपोत्युक्रम पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथय त्वं विशेषतः। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उसकी सेवा में संलग्न रहती थी। दादायणी दुष्टिता स्वतानु जहो पिता दक्षिण तदे संगता परमेश्वरी तदैव मिलकाम हिमाचल प्रिय मुने शिवलोक स्थिता देवी मारी राधा यीशु सदा। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उस भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत हुए भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। नामना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुत सहम नारदस्य उपदेशात्मक
देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद उवाच, ब्रह्मन् प्रीधे महाप्राज्ञ वद मे वदतां परा मेनकायः समुत्पत्ति विवाह चरितं तथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। धन्या ही मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती मतो मान्या च धन्या च सर्वेषां सा पतिव्रता। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया वे मेनका देवी धन्य है, इसीलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान और धन्य है। ब्रह्मा उवाच, श्रेणु तं नारद मुने पार्वती मातुर्भवं विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम् अस्योत्तरस्य दिशि वै गिरीशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनि श्रेष्ठ महातेजः समृद्धि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। जंगम और स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म रूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है जो पूर्व और पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। नाना वृक्ष समाकीर्ण नाना श्रृंगः सुचित्रितः सिंह व्याघ्रादि पशुभिः सेवितः सुखिभिः सदा। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैलराजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृत्ति के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्व स्वार्थ करने विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, देवा उचु
सर्वेषु तनो वाक्यं पितरः प्रीतुमानसः कर्तव्यं तथैवाशु देवकार्यसमो यदि। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। मेना नाम सुतायाव ज्येष्ठा मंगल रूपिणी आविवाह्य च सुप्रीत्या हिमाचेन महिप्रदा एवं सर्व महालाभ सर्वेषां पदे। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा उवाच। पितरस्ते विमृश च स्मृत्वा शापं सुतानां च प्रचुरोमिति तत्वच। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। यदुर्मेन सुविधीनां हिमागाय निजत्मजां समसामो महानासे पद्वेवा। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। हर्यादयुपिते देवा मुनयश्चापरखिला आजग्मुस्तत्र संस्मृत्य वामदेवं भवन्तिया। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। सर्वं करयामासुर दत्वा दाननेकषः सुप्रशस्य पितृं दिव्यान् प्रशंसासुर हिमाचलम्। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। महामोदान्विता देवा स्त्रि सर्वे समुनीश्वरः संजग्मुः स्वस्वधामानि संस्मरन्तः शिव शिव। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। यौतुकं बहु संप्राप्य सुविवाह्या प्रियं च तां आजगां स्वभवनं मुदमाप गिरीश्वरः। पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा उवाच। मेनया हि हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वरा प्रोक्तो मे सुखदः प्रीत्या किं भूयः श्रुतुमीक्षसि। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे हिमाचल विवाह वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।